नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। विकास दुबे के बाद एक बार फिर से कानपुर चर्चा में। इस बार लैब टेक्नीशियन का अपहरण के बाद हत्या का मामला। एक 28 साल के शख्स का पहले अपहरण किया गया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। आप रोते परिवार को देखकर समझिए कि गम कितना बड़ा है। परिवार का एक बेटा उन्होंने खो दिया। कानपुर के बर्रा से 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण फिरौती के लिए उसके दोस्त ने साथियों के साथ मिलकर किया था। 26 जून को उसकी हत्या कर लाश पांडु नदी में फेंक दी थी। इसके बाद पुलिस को चकमा देकर 13 जुलाई को 30 लाख की फिरौती भी वसूल ली थी। बृहस्पतिवार रात पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोस्त कुलदीप राम बाबू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अरे कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता, मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुँह चुरा रही है, मुँह दिखाएगी भी तो किस मुँह से। उन्होंने ऐसा काम भी किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई आपसे, क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने मेरे भाई के हत्यारे है रंजीत राय को? क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके। इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया। परिवार के अनुसार पुलिस ने जैसे कहा परिवार ने वैसे ही किया, फिरौती भी दी, लेकिन जब लगातार अपहरणकर्ताओं ने 26 बार फोन किया, आधे आधे घंटे बात की, फिर भी सर्विलांस टीम उन्हें ट्रेस क्यों नहीं कर पाई। अब पुलिस इस मामले का खुलासा कर रही है। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको FIR में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सब ब्रांच की, उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच फिर से सांठगांठ जैसा लग रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस परिवार का चिराग बुझ गया उसे इंसाफ कैसे मिलेगा। कानपुर से आयुष तिवारी की रिपोर्ट।